तो ये हमारा आ गया भंसार, और ये मंदिर देखिए कितना प्यारा है। नेपाल आइए और पैसा दूना कर लीजिए। देखिए ये हमारे हैं 10,000 रुपये इंडियन करेंसी में, और ये हैं नेपाली रुपये जो हमने किए हैं एक्सचेंज, ये हैं 16,000 रुपये। यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 100 रुपये का 160 रुपये है इंडिया के हिसाब से, तो हमने 10,000 रुपये का एक्सचेंज किया, तो हम लोग को 16,000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू में मिले हुए हैं उसके। कला दियाली पेंटिंग दिखे इतना मस्त, मतलब कोई पहाड़ है उसमें माउंटेन वाले चल रहे हैं। तो ये देखिए आपने दियाली पेंटिंग क्या हो गया इसमें, इसमें घोड़ा नाच गया। तो कह रही ये वाली पिक्चर है जिसमें घोड़ा जो थी ना धमाल, उसमें घोड़ा घास चढ़ गया था, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर टीवी क्या था, टीवी भी मतलब टीवी के यहाँ पर मतलब अदृश्य बोर्ड लगा हुआ है, मोबाइल यहाँ। चलो भाई चलो चलो। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चल रहा है सुनौली में। अभी मैंने और निहारिका ने ऑर्डर किया हुआ है आलू का पराठा, मम्मी पापा खाएंगे रोटी। तो ये आ गया पराठा, ये आ गया दही, मम्मी लोग की आलू जीरा और सब्जी आएगी अभी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मम्मी लोग तो इंतजार करेंगे। तो आप इधर देख ही होंगे होटल बहुत प्यारा है, शानदार है ऐसे, इसके अंदर बैंक भी है, इधर इधर रेस्टोरेंट है साइड में, इधर इनका पेंट्री रूम है, इधर इनका रिसेप्शन है। ये तो होटल बिल्कुल सुनौली बॉर्डर यहाँ से है, करीब 3 किलोमीटर नहीं सिर्फ 800 मीटर आगे है। ये पास में बस स्टेशन है उधर पे, और ये होटल था, देखिए आप रेस्टोरेंट होटल इंडो नेपाल एंड पैराडाइज एंड रेस्टोरेंट। तो ये होटल में हम लोग रुके हुए थे, ये सरदार जी का यहाँ पर होटल है, ये जो ओनर है यहाँ के। तो आप जब भी आएँ तो आप इनके यहाँ आके रुक सकते हैं। सुनौली वो सामने आप देखे हैं तिरंगा झंडा लगा हुआ है गेट के ऊपर, वो है इंडिया के गेट, उससे करीब 15 मीटर आगे नेपाल का गेट, नेपाल का गेट है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है। भंसार हमने बनने के लिए दिया हुआ, तो भंसार वाले का नंबर हमारे पास है, तो उसको नेपाल बॉर्डर में जाके हमने फोन करना है। देखिए रिक्शा वाला हमसे मजे ले रहा है। तो ये है पूरा इंडिया बॉर्डर, यहाँ पर SSB लगी रहती है, उधर नेपाल पुलिस, उधर वो जो पिलर का गेट आगे दिखाई दे रहा है वो है नेपाल बॉर्डर। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं भंसार का, भंसार तो हमारा बन गया है, भंसार के बाद एक परमिट होता है यहाँ RTO का। तो भंसार का जो रेट है वो है आपके 350 रुपये इंडियन रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से है। तो हम लोग 4 दिन के ला रहे हैं, लेकिन हमने एक दिन कैरी किया है 5 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि अगर आपका भंसार ख़त्म हो गया तो आपको भी 2,500 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है नेपाली रुपये में, यानी कि आपको 1,600 रुपये इंडिया के देने पड़ेंगे अगर आपका भंसार ख़त्म हो गया। तो फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं भंसार का, तो 200 रुपये एजेंट ने लिया हुआ है, तो 200 रुपये जो होटल में आए हुए थे, तो होटल से हमारे कागज लेके गए थे, तो उन्होंने 200 रुपये अपनी ओर से लिए हुए हैं, और 700 रुपये का एक रोड टैक्स वाला परमिट लगना है, तो वो वाला परमिट जो हमारा है वो बनने के लिए गया है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, पीछे मेरे बिल्कुल भंसार ऑफिस है, अगर आप खुद भी आके लाइन पे लाएंगे तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 2-3 घंटे का टाइम लगेगा भंसार आने में, इन लोग को पता रहता है तो अपना जल्दी जल्दी मना लेते हैं। तो आप इन लोगों से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सामने, आपको बॉर्डर पर मिल जाएंगे आराम से बैठे हुए लोग, क्योंकि इधर साइड नेपाल की सिम भी मिल रही है, सिम 200 रुपये की सिम है, 200 रुपये का रिचार्ज है, तो 500 रुपये का टोटल उसमें भी खर्चा है। तो यहाँ आके आपकी इंडिया की सिम बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो आपको 1.5 GB 7 दिन के लिए और 100 रुपये का टॉक टाइम है साथ में, उतना आपको 500 रुपये में नेपाल NCL नेपाल कम्युनिकेशन लिमिटेड का सिम मिल जाएगा, वो हमने लिया हुआ है। तो इंतजार करें भंसार का, फिर देखते हैं पूरा रास्ता, वो उधर पे है देखिए इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, और यहाँ पर पार्किंग है, तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो गाड़ी पार्किंग यहाँ पर खड़ी कर दो, अपना भंसार बनाओ और निकलो नेपाल की यात्रा पर। तो ये हमारा आ गया भंसार, तो हमने 5 दिन का लिया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 दिन। ये देखिए टोटल इसमें 2,500 रुपये नेपाली रुपये ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, इसमें 2,500 रुपये की पर्ची कटी हुई है, साथ में ये एक RTO टैक्स है जो नेपाली है, ये यातायात व्यवस्था, तो ये इसमें भी 700 रुपये हमारे लगे हुए हैं। तो पहली विदेश यात्रा मम्मी पापा लोग की स्टार्ट होगी, हमने नेपाल बॉर्डर के अंदर क्रॉस कर लिया है, पहले हमारा भंसार पहली चौकी में चेक भी हो चुका है। तो कल तक मैं सोचता था कि पिछले ब्लॉग में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, हमने सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में कहा कि सिद्धार्थ नगर भी है कहाँ पे आपके नेपाल में, तो सामने वाला वो देखी नहीं आप,
इतना मस्त नज़ारा है ये, यहाँ हर जगह बन चार चेक हो रहा है गाड़ियों का, ऐसे सामान चेक होता है पूरा। पहली वाली चौकी में हमारे साथ क्या हुआ, उसने नेपाली में बोला, ये जानती है नेपाली निहारिका, ठीक है निहारिका भी नेपाली जानती, तो मेरी हो रही है हाँ हाँ क्या, तो फिर बोली हाँ हाँ काठमांडू जाना है, तो उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो, नेपाली भाषा में कहाँ जा रहे हो, तो इसने बोला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे समझ में मेरे समझ में नहीं आया ना, वो बहुत तेज बोला था, अब फिर हल्के हल्के नेपाली बोले समझ में आता, तो अभी इसने काठमांडू बोला, अभी फिर दूसरी एक और चौकी आई तो उन्होंने बोला कि पीछे क्या है गाड़ी में, ठीक है डिग्गी में, तो अब मैंने सोचा कि बोल लोगे कि कहाँ जाना है, तो मैंने बोला काठमांडू, तो क्या कह रहा पीछे काठमांडू है, यहाँ की अभी तो रोड है, अगर ऐसी रोड मिलेगी तो मजा भी आएगा ना, ऐसी रोड यहाँ पे, अगर ऐसी रोड मिलेगी तो मज़ा भी आएगा, लेकिन वो बोल रहे थे कि रोड की कंडीशन आगे ख़राब है जो बनचार बना रहे थे, तो अब देखते हैं कैसी रोड है आगे का, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है कि यहाँ काफ़ी अच्छी रोड है, तो हाँ तो हम लोग क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, हाँ तो सत्ता हम बोल रहे थे कि सिद्धार्थ नगर और लुम्बिनी, आप जो गौतम बुद्ध का मतलब पहले से बहुत पहले से लुम्बिनी और सिद्धार्थ नगर जो उनके नाम पे है, वो दोनों इसी बॉर्डर से करीब 22-23 किलोमीटर की दूरी पे है, 26 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप वहाँ भी मतलब आराम से जा सकते हैं घूमने के लिए, फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं तो हम अभी नहीं जा रहे, अगर वापस आते तो हम पे टाइम होगा तो वापस आते तो हम लोग जरूर आएंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं देवबुली में, अभी यहाँ से कितने डिस्टेंस है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक मंदिर काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिखाई दे रहा था रोड के एक पास से, तो ये सामने उधर एक मंदिर है, तो हम लोग उसी मंदिर जा रहे हैं, बाहर से देखने में मंदिर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देखिए ये, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी मंदिर को घूम लिया जाए एक बार, थोड़ा क्या होगा कि मैं 4 घंटे से लाता गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा हाथ पाँव भी सीधे करने थे, सामने रेस्टोरेंट भी थे वहाँ खा भी लेंगे कुछ, और ये मंदिर देखिए कितना प्यारा है।
तो हम लोग बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए, मम्मी लोग ये तीनों पी रहे हैं चाय, 1 2 3। मैं थोड़ा खाना खाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है, जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे नॉन वेज मिल ही रहा है, हर जगह पे नॉन वेज है, कहीं पर चिकन मटन सब कुछ मिल रहा है। तो मम्मी पापा लोग बोले कि हम यहाँ पर कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय पियेंगे ये लोग, और चाय भी अलग बना रखी है, और हम लोग को अलग बैठाया गया क्योंकि उधर जो लोग बैठे हुए हैं उधर बहुत भीड़ है उस साइड में, क्योंकि वो उधर नॉन वेज खाने हैं, जो वेज खाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर खा रहे हैं। और मैंने अपने मंगाया सादा दाल चावल, फिर मंगाता हूँ, फिर खाते हैं, फिर आगे का रास्ता देखते हैं। अभी हम कहाँ पहुँचे, देवतुली नाम था ना, देवतुली पे पहुँचे हुए। हाँ ये हरा, देखिए थाली मेरी आ गई है, इसमें दाल है, इधर चटनी है, थोड़ा सलाद है, थोड़ा चावल है, और ये सब्जी कद्दू की सब्जी है, इतना कुछ इसमें थाली पे। बोली थी कि होली नहीं खेलते, ऐसा बोली थी। मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा कि यहाँ के जैसे उतना नहीं खेलते। तुमने बोला था कि यहाँ इंडिया आ रहे हैं वो लोग खेलने के, तो यहाँ पोखरा यहाँ से 129 किलोमीटर है जिस अभी जहाँ पे हम लोग हैं, और काठमांडू है करीब 141 किलोमीटर, यानी कि मतलब दोनों की दोनों यहाँ से पोखरा और इसकी दूरी दोनों की दो बराबर है। साथ में यहाँ पर कुछ अभी जो पहले आप देख रहे थे ना सीन, वहाँ पर कुछ मेला टाइप का लगा हुआ है, और नदी है बहुत बड़ी, उस नदी में मतलब बहुत ज़्यादा स्टीमर चल रहे हैं बहुत हद से ज़्यादा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। हम लोग क्या इतना टाइम नहीं है, एक्चुअली हमको टाइम लगेगा काठमांडू पहुँचने में बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन ये प्लेस है मे बी ये शायद नारायणगढ़ होगा या कुछ ऐसा होगा, जगह का नाम लिखा है, हाँ इसका नाम है नारायणगढ़ी है, इतना अभी हम पहुँचे हैं नारायणगढ़ में। तो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे नेपाल के कितने प्यारे प्यारे गांव हैं। अभी जब मतलब नारायण बगड़ से लेके अभी तक हम लोग को ये रास्ता ना ऐसा ही मिला है पूरा, बिल्कुल सीधा 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 80 की स्पीड गाड़ी पकड़ ली है, रोड कहीं ख़राब नहीं, बीच में थोड़े बहुत जहाँ पर रपटे आते हैं वहाँ पर ऊँचा नीचा है, बाकी पूरा रास्ता बिल्कुल अभी तक ओके है। और ये किनारे किनारे मतलब अभी हमने पहली बार यहाँ खेती देखी है, अकेला यहाँ पर खेती हो रही है, जब नारायण बगड़ के पास आ गए तो यहाँ पर लगा कि खेती हो रही है। ऑलमोस्ट अभी बज गए हैं दिन के 3 बज गए हैं, सुबह चले थे हम लोग बरसात बनाने के बाद 9:30 बजे चले थे सोनोरी बॉर्डर से, यानी हमको 6.5 घंटा हो गया गाड़ी चलाते चलाते। अभी तक हमने लिया है सिर्फ एक ब्रेक, वो भी लिया था वहाँ पे कौन सा धाम था वो, हाँ मेरा एक धाम था पीछे पड़ा हुआ, हाँ शाश्वत धाम करके था, तो वहाँ पर हम लोग ने ब्रेक किया था, वहीं हमने खाना खाया था, वो मंदिर घूमने के लिए गए थे। तो बस ये अभी सेकंड ब्रेक देखते हैं कब लेंगे, अभी तो थोड़ी थकान होने स्टार्ट हुई है, जब लगेगा तब लगेगा। अभी इधर देखिए लेकिन रास्ता आप ना पूरे सामने पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, अभी जो नदियाँ पड़ी है तो काफ़ी अच्छा अच्छा लग रहा है देखने में, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, शहर है पूरा गांव है, शुरुआत शुरुआत मम्मी लोग कहने लगे अरे ऐसी रोड होगी कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन जो मतलब शुरुआत के नारायणगढ़ तक मतलब नारायणगढ़ तक हमारा नारायणगढ़ वाला उत्तराखंड में है ना, तो आदत वही पड़ जाती है, नारायणगढ़ तक मतलब करीब 50% रोड सही है, 50% खराब है, हाँ ज़्यादातर खराब ही समझ लो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे, तो उसके बाद से ये रोड अभी हम लोग को काफ़ी अच्छी मिल रही है। ये देखिए किनारे किनारे नदी बह रही है, इसमें ऐसे इधर साइड में किनारे में नदी बह रही है, साथ साथ में ये जंगल है बहुत प्यारा सा। अब तो मौसम भी धीरे धीरे शाम होने लगी है, मौसम भी हो गया अच्छा, मिलते हैं यहाँ पे जलेश्वर महादेव का मंदिर है, तो काफ़ी खूबसूरत है नेपाल, आइए घूमिए एक्सप्लोर करिए, और लोग करें खेल लें होली पूरे रास्ते पर। वो देखिए ये सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के, ये देखो ये लेडीज़ लोग को देखो ना, सब लोग वहाँ पर होली खेल रहे हैं, ऐसे बच्चे बहुत सारे बहुत जगह पे हैं जहाँ पर होली खेल रहे हैं।
पहुंचे हैं हेटोंडा। ये राप्ती रोड है। हाँ, ये राप्ती रोड है, वहाँ राप्ती नदी थी पहले जो आप देख रहे थे। तो आप देखिए ना यहाँ के लोग कितना फैशन करते हैं नेपाल वाले। ये देखिए यहाँ होली मनाई जा रही है। ये देखिए यहाँ पर होली पूरा। देखिए पूरी की पूरी की पूरी होली मना रहे हैं नेपाल में। तो ऐसे वहाँ पर होली मनाई जा रही है, कुछ मस्त करके सब डांस कर रहे हैं और हम लोग मिस कर रहे हैं अपने गांव को। तो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे है स्टेडियम, ये स्टेडियम टाइप का ही, स्टेडियम टाइप का ही कुछ लग रहा है। ये प्रथम प्रदेश खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है वहाँ पे। ये प्रथम प्रदेश खेलकूद प्रतियोगिता पालू ने संपन्न खेल प्रेमी। तो वो उधर देखे सब स्टेडियम में चारों ओर से बैठे हुए। मैं दूर से सोचा था कि क्या चीज़ है, लेकिन वहाँ पे हो रहे गेम्स अभी। अब जो रियल हिल चालू हुआ है ना वो यहाँ से हुआ है। अब गाड़ी थोड़ा पिकअप कम ले रही है, आराम से चल रही है, माठूमाठ चल रही है गाड़ी। तो वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ से करीब काठमांडू बचा है 80 किलोमीटर और। अब गूगल मैप हमने बीच में गूगल मैप देख ले रहे हैं कि भैया कितना घंटा लग गया। तो गूगल मैप अभी 3 घंटे दिखा रहा है और अभी करीब 4 बजने वाले हैं, तो यानी 7 बजे तक हम लोग काठमांडू पहुँचेंगे। और मौसम अब क्या है, AC जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ से मौसम हो गया थोड़ा औसम, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आने लगी है पहाड़ की तरह जैसे आती है। और वैली काफ़ी खूबसूरत है, आप देखो तक सारे नज़ारे। तो हम लोग रुके हैं गड़ी बाजार में, यहाँ पर है गड़ी, ऊपर कुछ ऐतिहासिक कुछ है शायद, में भी यहाँ पर कोई वो होगा, कोई महल वहल टाइप का होगा इसके ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कुछ ऐतिहासिक, यह है मकवानपुरी गड़ी दरबार, मतलब यहाँ पर कोई दरबार वरबार लगता होगा वो टॉप में, वो वहाँ पे ऊपर टॉप में। और यहाँ से जो नज़ारा है ना नीचे का वो है बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए ये घास से घाटी, अभी तो हम लोग नीचे थे और वहाँ से पूरा ऐसा पहाड़ चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। अभी मौसम हो गया है काफ़ी अच्छा, बादल आसमान में आ गए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, हरी पहाड़ वाली फीलिंग, बिल्कुल धनौल्टी ऐसा लग रहा है। अरे वाह, अभी खुश हो? बहुत से पहाड़ देखा ना आपने, अब दिख गया पहाड़। वो ऊपर देखो कुछ है वहाँ, कोई दरबार वार लगता है ऊपर सामने। अभी आ रही है पहाड़ वाली फीलिंग है, आ रही है। चाऊ चाऊ खाओगी वहाँ, बन जाएगा ना उनके यहाँ पर। फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर पहाड़ में गाड़ी चला रहा हूँ। वो भी ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी से नहीं रानीखेत से जा रहा हूँ, हल्द्वानी अभी मतलब, क्योंकि अभी डाउन हिल से है लेकिन रास्ता। फीलिंग वही आ रही है रानीखेत से हल्द्वानी को उतर रहूँगा मैं, ऐसे वैसी रोड पूरी ऐसी है, ऐसी पूरे पहाड़ ऐसी हैं सेम टू सेम, लेकिन हम हैं अभी विदेश कंट्री में। क्योंकि जो सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं ना उनका नंबर देवनागरी लिपि में लिखा रहता है नेपाल में, अगर रेड कलर की प्लेट है और उसमें व्हाइट रंग से लिखा हुआ है तो समझ लो प्राइवेट गाड़ी है, अगर सफ़ेद रंग की प्लेट है फिर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है तो समझ लो कि वो टैक्सी गाड़ी है। तो ऐसे पता चल जा रहा है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो मतलब इंडिया की गाड़ी लेके चल रहा हूँ इस रोड पे, और मे बी हो सकता है कि कोई लोग चले गए हों या कहीं कहीं और वो भी। तो मतलब अभी तक मैंने इंडिया की कोई गाड़ी नहीं देखी, जैसे सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ इस रोड पर। उधर बॉर्डर पर देखी थी, बॉर्डर पर UP 56 नंबर की गाड़ियाँ थी और कुछ UP 14 नंबर की आ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे दिखाई नहीं थी, क्या पता वो बॉर्डर तक आई हो। लेकिन अभी मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में कुल मिला के, थकान तो काफ़ी हो गई है क्योंकि अकेला ड्राइवर हूँ मैं।
तो धीरे धीरे चल रही है सवारी। काठमांडू बचा है करीब अभी 70 किलोमीटर और यहाँ लोग अभी भी होली खेलने में लगे हुए हैं शाम तक। तो उनकी होली आज ही है ना? हाँ उनकी होली आज ही है, वहाँ भी लोग बता रहे थे कि उनकी होली आज है। तो हमको एक फायदा ये हो गया कि कल को कहीं मतलब मार्केट हमको खुली मिलेगी। अब कहीं कहीं पर ऐसे पैर जा जाते हैं, देखिए अभी रोड अच्छी आई थी तो ऐसे ऐसे बीच बीच में जहाँ पर लैंडस्लाइड एरिया है ना वहाँ पे ऐसा ऐसा पैर जा रहा है ये। तो ऐसी बीच बीच रोड आ रही है तो इसी वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं, वरना आप लोग सोचोगे कि अच्छी अच्छी रोड है फिर भी उतना गाड़ी इतने हल्के हल्के चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रोड मतलब क्या है कि ऐसे 5-6 किलोमीटर मिलती है ओके, फिर उसके बाद कुछ कहीं पे लैंडस्लाइड एरिया होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसी मिल जाती है। नीचे तो खैर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे, लेकिन इधर पे क्या है ना ये लैंडस्लाइड होता है बारिश की वजह से। देखिए ये यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल, ये केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे रास्ते हुए कहीं कहीं पे होली वाले। ये लोग हलदंग मचा रहे ना होली खेल के आ रहे हैं। हम लोग काठमांडू पहुंच गए थे, अभी हम लोग जा रहे हैं जहां हमने रहना है एक्चुअली निहारी क्या की दीदी के यहाँ हम लोग जा रहे हैं रहने के लिए। तो जो आज का रास्ता था सोनारी बॉर्डर से लेके काठमांडू तक, मेरे लिए वो रास्ता हो गया बहुत बड़ा टास्क। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी भगवान में ड्राइविंग स्किल मतलब खोज रहा है कि मतलब कितनी कैसी गाड़ी चला सकता हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमने कोई रास्ता कहीं से कुछ लेग गलत ले ली शायद, मेरे ख्याल से गूगल मैप में मुझे नारायणगढ़ या आपके सासुधाम के यहाँ से कहीं से मतलब अगर ऊपर को हल्का राइट करना था, नीचे को मैंने नहीं नीचे को लेफ्ट अगर राइट करना था तो मैंने ऊपर को लेफ्ट गाड़ी मोड़ी है, मुझे बाद में मतलब ऐसा एहसास हुआ घर आके गूगल मैप का। क्योंकि जो दूरी गूगल मैप दिखा रहा था 8.5 घंटे वो गाड़ी वो दूरी करीब 10.5 घंटे है। रास्ता तो हम लोग काठमांडू का ही वाले रास्ते पर ही आए हैं क्योंकि पूरे रास्ते पर हर जगह लिखा था, बोर्ड लगे हुए थे छोटे जो पिलर होते हैं उसमें लिखा था काठमांडू तक 70 किलोमीटर। लेकिन फिर भी मतलब वो रास्ता लास्ट मतलब एंड मतलब लास्ट के जो 60 किलोमीटर एंड था ना वो मेरे ऐसा था मतलब कि घर वाले भी मतलब डरने लगे, एक तो अंधेरा भी होने लग गया बिल्कुल एकदम से और कहीं पर स्लो वैसे आते बिल्कुल कहीं पर डाउन और बिल्कुल गाड़ी निकलने की जगह और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, पीछे को एक दो बाइक आ रही हैं। तो फिर ऐसा पता लग रहा था कि हम लोग कोई रास्ता गलत पकड़े, लेकिन लास्ट में एट लास्ट काठमांडू पहुंच गए। सब लोग सो चुके हैं, थके हारे चुके, खाना ना हमने खा लिया, आए हैं निहारिका की दीदी के यहाँ रुके हुए हैं। तो वो लोग काठमांडू रहते तो उनके घर पे आके रुके हुए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, पूरा शरीर मतलब कंधे स्टेरिंग घुमा घुमा के दर्द कर रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है कैसे बंसार बनाना है और कैसे मतलब आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, कौन कौन सी रोड से आना है। खुद तो मैं वैसे मुझे लगता है गलत रोड से आया हूँ, लेकिन अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बाइक के लिए वो रोड परफेक्ट है और कम किलोमीटर पड़ेगा, 50 किलोमीटर कम पड़ेगा तो आप आराम से आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।